लगता है कि आप मास्क लगवाइए सबको और मास्क अपने भी लगाइए। अभी जस्ट हम खाना खा के आ रहे, जस्ट वहाँ से पानी पी के। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं? हाँ हाँ, आपने भी मास्क नहीं लगाया? प्लीज, प्लेटफॉर्म पर है। क्या करते हैं सर? हम ऐसे टहल रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी करते हैं? नहीं, ड्यूटी कुछ नहीं। सर आपने मास्क नहीं लगाया? हम मास्क नहीं लगाते हैं इसलिए कोरोना नहीं है। अच्छा, और बोलिए। कोरोना नहीं है? नहीं है, मुखिया के इलेक्शन था तब कोरोना जंक्शन का नहीं है। तो सर आप मास्क नहीं लगाए? अभी तो मास्क लगा नहीं, पीछे से हम लोग आए ना, मास्क रखे हुए हैं। मास्क मेरे पास में है। सिवान से आ रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, तो बीमारी का जो कोरोना बीमारी का नाम सुने थे आप? हाँ, सुना है। मास्क नहीं लगाए हैं? है ना, सुई लिए। सिवान से गोवा लेके जाएंगे क्या? नहीं नहीं, नहीं। या सिवान से लेके आएंगे? नहीं कुछ नहीं। तो मास्क कहाँ है? है। तो ये बताइए, कोरोना का तीसरी लहर फिर से आने वाला है या आ भी रहा है बिहार में? अब हर जगह तो गरीब आदमी मर रहे हैं। अच्छा, अब मजदूरी करने वाले मजदूर खाएगा क्या, ये बताइए। ठीक है, आप खाएंगे क्या? आप मास्क क्यों नहीं लगाए? सॉरी सर, लगा घूमने के लिए। हाँ, मास्क क्यों नहीं लगाया आप? हाय, कोरोना का नाम सुने थे? जी। क्या होता है उसमें? बीमारी। कैसा बीमारी? कोरोना वाला। कोरोना वाला में क्या होता है उसमें पता है? कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं, आरा जाएंगे। आरा जाएंगे। कोरोना का भी नाम सुने थे क्या? हाँ सुने हैं, बोलिए। अभी फिर से थर्ड वेव आ रहा है। हाँ। आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क लगा रहे हैं, बाथरूम जा रहे थे इसीलिए। देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं पंकज कुमार। आज पटना जंक्शन पे हम आए हैं। बिहार सरकार ने जो दावा किया है कि कोरोना के तीसरी लहर के लिए बिहार सरकार पूरी तैयारियां कर ली है, और अभी हम आते हैं यहां पे, टीटी रूम है। सर ये बताइए, कोरोना का जो तीसरी लहर आ रहा है, पटना जंक्शन पे क्या क्या व्यवस्था है सर? डिप्टी एसएस कमर्शियल बगल में, उनसे पूछते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, फाइन भी लगता है क्या इस पे? मास्क जो नहीं लगाते उनके लिए फाइन भी है क्या? जी, फाइन की व्यवस्था है। कितना फाइन है सर? 500 रुपीज। कितना काटे हैं आज? आज फाइन कटा है क्या? अभी तक नहीं कटा है। अभी तक नहीं कटा है, लोग तो बिना मास्क के घूम रहे हैं। कोर्ट में बहुत सारे खड़े हैं, आरपीएफ कोर्ट में वहाँ है, खड़े दिया गया है पकड़ के उनको, दिया गया। चलिए, इनका कहना है कि मास्क का 500 रुपया फाइन है, और कितने लोग यहाँ मास्क लगाए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। सर थर्ड वेव आ रहा है कोरोना का, क्या आपने मास्क नहीं लगाया सर? मास्क है, भूल गए। मास्क भूल गए। मैडम आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क बैग में रखे हैं। बैग में रखे हैं, तो बैग में ही रहेगा कि निकलेगा? निकाले। बीमारी से डर लगता है? हाँ। चाचा कहाँ जा रहे हैं आप? गोवा। गोवा जा रहे हैं? आ रहे हैं कहाँ से? सिवान से। सिवान से आ रहे हैं, गोवा जा रहे हैं? तो बीमारी का जो कोरोना बीमारी का नाम सुने थे आप? हाँ, सुना है। मास्क नहीं लगाए हैं? है ना, सुई लिए। सिवान से गोवा लेके जाएंगे क्या? नहीं नहीं। या सिवान से लेके आएंगे? नहीं कुछ नहीं। तो मास्क कहाँ है? है ना सिवान। सर जी आप कहाँ जा रहे हैं? हम गोवा जा रहे हैं। गोवा। गोवा जा रहे हैं? हाँ। क्या है, घूमने? नहीं, उधर रहते हैं, काम करते हैं। अच्छा, उधर काम करते हैं। हाँ। तो ये बताइए, कोरोना का तीसरी लहर फिर से आने वाला है या आ भी रहा है बिहार में? अब हर जगह तो गरीब आदमी मर रहे हैं। अच्छा, अब मजदूरी करने वाले मजदूर खाएगा क्या, ये बताइए। ठीक है, आप खाएंगे क्या? आप मास्क क्यों नहीं लगाए? सॉरी सर, लगा लेते हैं। सर पटना जंक्शन पे क्या क्या व्यवस्था है सर? ये हम पटना जंक्शन का नहीं है। तो सर आप मास्क नहीं लगाए जंक्शन पे? तो मास्क लगा नहीं, पीछे से हम लोग आए ना, मास्क रखे हुए। मास्क मेरे पास में है। मास्क हम लोग रखे हैं सर, मास्क तो लगा के रखना है। सही बात है, आपका कहना सही है। चलिए, जिनके कांधों पर जिम्मेवारी है वो लोगों को समझाएं कि मास्क लगा कर रखिए। उनका मास्क कहाँ था ये हम आपको दिखा दिए इस रिपोर्ट में। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्या क्या तैयारी है यहाँ पे। कहाँ जाना है बेटा आपको? गोवा। कहाँ जाना है? गोवा। गोवा जा रहे हैं जी। कहाँ घूमने? हाँ। घूमने के लिए? हाँ। मास्क क्यों नहीं लगाए आप? हाय, कोरोना का नाम सुने थे? जी। क्या होता है उसमें? बीमारी। कैसा बीमारी? कोरोना वाला। कोरोना वाला में क्या होता है उसमें?
पता है? नहीं नहीं, नहीं। और पटना जंक्शन पे जिनकी जिम्मेवारी हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम मैडम एक मिनट मैडम, आपके जिम्मे आपका जिम्मेवारी भी बनता है कि मास्क लगवाइए सबको और मास्क अपने भी लगाइए। जस्ट हम खाना खा के आ रहे, जस्ट वहाँ से पानी पी के। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं? हाँ हाँ, आपने भी मास्क नहीं लगाया? प्लीज प्लीज। डंडा अधिकारी का ऑफिस है यहाँ पर, जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उनको फाइन किया जाता है यहाँ पर कोर्ट में। सर यहाँ पे आप कोर्ट में ही हैं सर? नहीं है? हम प्लेटफॉर्म पर हैं। क्या करते हैं सर? हम ऐसे टहल रहे हैं। उन्हें प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी करते हैं? नहीं, ड्यूटी कुछ नहीं। सर आपने मास्क नहीं लगाया? हम मास्क नहीं लगाते हैं इसलिए कोरोना नहीं है। अच्छा, और बोलिए। कोरोना नहीं है? नहीं है। मुखिया का इलेक्शन था तब कोरोना था? नहीं था। उस समय कहाँ था लोग? सर कोरोना के लिए जो मास्क नहीं है उसके लिए फाइन भी है क्या? सर जो लोग मास्क नहीं लगाते उनके लिए फाइन भी है क्या? नहीं नहीं, टीटी रूम से कहा गया कि कोरोना के लिए जो मास्क नहीं लगाते उनके लिए फाइन करके कर आप जाइए वहाँ पे बात कर लीजिए उनसे। ये फाइन वाला लोग नहीं है। अच्छा, ये लोग अनाधिकृत रूप से जो अनाधिकृत रूप से स्टेशन में बैठे हैं, स्टेशन में प्रवेश करते हैं उनको हटाया जाता है, नहीं हटते हैं तो उनको किराया जाता है। या महिला बोगी में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। महिला बोगी में जो यात्रा करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। तो दिनेश जी एक चीज़ और बताइए कि आप क्या कोरोना का गाइडलाइन जो पालन करवाना है पटना जंक्शन पर, वो जिम्मेवारी किन के ऊपर होती है सर? सबकी जिम्मेवारी है और सबका कर्तव्य भी है। अच्छा, अभी ऐसा नहीं है कि सबको जानकारी नहीं है, सबको जानकारी है। मास्क भी सबको पहनना है, हम लोग खुद मास्क पहन के काम कर रहे हैं, देख रहे हैं और अनाउंसमेंट उद्घोषणा और जागरूकता फैलाते हैं सभी को कि सभी लोग मास्क पहने। सर पटना जंक्शन पर कितना व्यवस्था है, जांच का व्यवस्था कितना है? जांच वहां पर बीच में एक काउंटर वहां पर लगा, इसके संबंध में हेल्थ डिपार्टमेंट बताएगा। हम लोग से जो सहयोग होता है वो सहयोग करते हैं सर। ठीक है, थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो किशनगंज जाएंगे। किशनगंज जाएंगे, थर्ड वेव की तैयारी चल रही है सर फिर से। अच्छा, क्या लग रहा है सर आप मास्क नहीं लगाए हैं? अच्छा अच्छा, सॉरी, इसके लिए हम लगा लेते हैं, झोला में है सर, निकालिए। अच्छा, मैडम कहाँ जा रही हैं आप? जा रहे हैं आरा जाएंगे। आरा जाएंगे, कोरोना का भी नाम सुने थे क्या? हाँ सुने हैं, बोलिए। अभी फिर से थर्ड वेव आ रहा है। हाँ, आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क नहीं लगा रहे, बाथरूम जा रहे थे इसीलिए देखते हैं पैसा सब निकाले, बाथरूम जा रहे थे तो मास्क हटा दिए। मैडम कहाँ जा रही हैं? गोवा घूमने जा रहे हैं। सर ये बताइए कि थर्ड वेव की तैयारी चल रही है और आप पटना जंक्शन पे भीड़ भाड़ वाले पैलेस में हैं, मास्क नहीं लगाए, क्या कहना? रखे हुए थे।